नमस्कार, मैं अनामिका बिहार की 25 खबरों के साथ। पटना में बिहार का पहला महिला डाकघर खुला। महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। पहले महिलाओं को आरक्षण दिलवाया, फिर 3 तलाक बिल पास करवाया, महिला सशक्तिकरण को और ज्यादा मजबूत किया। उसी दिशा में केंद्र ने सभी डाक मंडलों में एक एक महिला डाकघर खोलने का निर्णय लिया है। देश भर के 652 डाक मंडलों में एक एक महिला डाकघर खोले जाएंगे। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी। आज जेडीयू नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जेडीयू भाजपा गठबंधन पर किया दावा। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि बिहार में जनता दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ राज्य में भाजपा नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा निर्देशन में किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी नहीं है जहां कोई भी ऐसा कुछ भी कहेगा, क्योंकि वे एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ की। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ने यदि आरक्षण का बीज नहीं डाला होता तो आज समाज में राजनीति और अति पिछड़ों की भागीदारी संभव नहीं थी। पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में अति पिछड़ों का 40% आरक्षण है। समाज में पिछड़ों के प्रति जो हीन भावना थी उसे नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया। पहले अति पिछड़ा समाज के लोगों में आत्मविश्वास की कमी थी। जदयू ने अति पिछड़ा नेताओं को न केवल राजनीति में जगह दी बल्कि चुनाव जिताकर मंत्री और सांसद भी बनाया। ट्रेन में आरती और भजन कीर्तन के साथ कर सकते हैं धार्मिक स्थलों का दर्शन। 15 अक्टूबर को सहरसा से पहली बार खुलने जा रही है आस्था सर्किट ट्रेन। इस ट्रेन के अंदर मंदिर की सुविधा होगी। अब मंदिर में सुबह और शाम आरती भजन करते सफर का आनंद यात्री ले पाएंगे। हर कोच में लगाए गए साउंड सिस्टम से भी मंदिर में हो रही आरती भजन को यात्री सुन पाएंगे। IRCTC द्वारा चलाई जा रही इस ट्रेन की सफर से कोसी क्षेत्र सहित अन्य जगहों के लोग वैष्णो देवी, हर जगह की पौड़ी, राम लक्ष्मण झूला का दर्शन कर पाएंगे और सफर का आनंद उठा पाएंगे। बीजेपी सांसदों और पदाधिकारियों से मिले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी सांसदों और पार्टी के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले। इस दौरान देश भर के बीजेपी सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के बारे में, पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रोजाना 5 से 10 किलोमीटर चलने की भी सलाह दी है। पार्टी नेतृत्व के अनुसार ही बयान देते हैं नेता गिरिराज सिंह। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हमको जो बोलना होता है वही बोलते हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व जो तय करता है वही हम सब बोलते हैं, हमने अपनी बात रख दी। साथ ही साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में 243 का टारगेट है, उसे हम जरूर पूरा करेंगे। संजय पासवान का नीतीश के खिलाफ एक और बयान। बीजेपी के नवनिर्वाचित MLC संजय पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ 2020 तक हम लोगों के CM हैं। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद क्या होगा इसका फैसला हम सब लोग मिलकर बैठकर करेंगे। इसके अलावा संजय पासवान ने कहा कि CM नीतीश ने जो हमें नसीहत दी है उस पर हम अमल करेंगे। नीतीश कुमार हमारे CM हैं, उनको नसीहत देने का अधिकार है, उनकी नसीहत का हम लोग पालन करते आए हैं और करेंगे। बेगूसराय के रोहन का बिहार टीम में चयन होने पर गिरिराज सिंह ने दी बधाई। BCCI की तरफ से 25 सितंबर से जयपुर में आयोजित होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में पहली बार बेगूसराय के क्रिकेटर रोहन BCCI के क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली विजय हजारे वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बेगूसराय जिला क्रिकेट संघ के खिलाड़ी रोहन कुमार का चयन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में 15 खिलाड़ियों में हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहन को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा बेगूसराय के रोहन का बिहार टीम में चयन होना है गौरव की बात। बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव। बिहार की 5 विधानसभा सीटें सिमरी, बख्तियारपुर, किशनगंज, दरौंदा, नाथनगर, बेलहर और 1 लोकसभा संसदीय सीट समस्तीपुर के लिए 21 अक्टूबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इसकी घोषणा की। 23 सितंबर को उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। अब मोटर वाहन कानून से जुड़ेगा आधार पहचान पत्र। बिहार के पहले आधार सेवा केंद्र के उद्घाटन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि जल्द ही मोटर वाहन कानून से आधार पहचान पत्र को जोड़ा जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है। आधार एक डिजिटल पहचान पत्र है। आधार के माध्यम से 7,93,811 करोड़ रुपए अब तक सीधे लाभुकों के खाते में भेजे गए हैं, जबकि 1,47,677 करोड़ रुपए की बचत की गई है।
कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी के लिए निकाली भर्ती। एसएससी ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप डी के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 18 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड 5 मई से 7 मई तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा ग्रेड सी के लिए 18 से 30 वर्ष और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 वर्ष तय की गई है। 2 अक्टूबर से होगी नई जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था लागू। सीएम नीतीश के आदेशानुसार नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब एक जमीन कई लोगों को नहीं बेची जा सकती है, जिसके लिए निबंधन विभाग लोगों को जागरूक करने का अभियान करने जा रही है। अब अगले 2 अक्टूबर से बिना जमाबंदी या दाखिल खारिज के जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी। इसके तहत जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके अनुसार किसी की पुश्तैनी जमीन कोई तभी बेच पाएगा जब उस जमीन का आपसी बंटवारा हो चुका हो। सहरसा वासियों के लिए खुशखबरी, रांची के लिए एक और ट्रेन। सहरसा से रांची के लिए एक और ट्रेन की सौगात मिलेगी। मालदा डिवीजन ने भागलपुर रांची एक्सप्रेस को सहरसा से चलाने का प्रस्ताव ईस्टर्न रेलवे जोन को भेजा है। प्रस्ताव को जोन से हरी झंडी मिलते ही सहरसा रांची एक्सप्रेस ट्रेन वाया मुंगेर और जमालपुर रेलखंड पर चलने लगेगी। इस ट्रेन से मुंगेर जमालपुर के रास्ते कोसी क्षेत्र के लोग भोले शंकर के दर्शन को बाबा नगर देवघर जा सकेंगे। वहीं धनबाद से सीधे रेल नेटवर्क से सहरसा जुड़ जाएगा। इस ट्रेन के परिचालन से एक और फायदा होगा कि जसीडीह स्टेशन पहुंचकर लोग हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ पाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और जदयू में सीटों का बंटवारा। बिहार में विधानसभा की सीटों पर 5 और लोकसभा की 1 सीट पर चुनाव होगी, जिसमें जेडीयू विधानसभा की 5 सीटों में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी केवल 1 पर लड़ेगी। वहीं लोकसभा की 1 सीट एलजेपी के खाते में जाएगी। ट्रैफिक नियम बार बार तोड़ने पर अब करनी होगी वृद्धों की सेवा। अब बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्ति के लिए दंड के तौर पर बनाए जाए कानून में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें यह नियम बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार चालान कटने के बाद भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है, उस संबंधित व्यक्ति को दंड के तौर पर वृद्धाश्रम में सेवा करने के लिए भेज दिया जाएगा। यह प्रावधान नियम तोड़ने वालों को सुधारने के लिए बनाए गए हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय पहुंचकर बारिश होने के बावजूद भींगते हुए वहां के लोगों से मिले, जिसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों और लोगों का हाल लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत कार्य के लिए निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने सीएम नीतीश पर कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश जी गठबंधन में होने के बावजूद बेगूसराय से कर रहे सौतेला व्यवहार, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए सीबीएसई बोर्ड ने शुरू की मुहिम। सीबीएसई ने पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए अपनाया एक मुहिम, जिसमें उसने स्कूल के छात्रों को जल और पर्यावरण संरक्षण करने पर विद्यार्थियों को हर दिन कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, जिसके अंक उनके परीक्षा के अंक पत्र में शामिल किए जाएंगे। बिहार सरकार ने सामान्य वर्ग के बच्चों की पोशाक राशि के लिए जारी किया गाइडलाइन। बिहार सरकार ने सामान्य वर्ग के परिवार के बच्चों के लिए नए गाइडलाइन के अनुसार जिनकी आय 1.5 लाख से कम है, उन्हीं को अब पोशाक के लिए राशि जारी की जाएगी। इसके लिए 2019-20 तक के छात्रों को कक्षा में 75% से अधिक उपस्थिति होनी जरूरी है। इस योजना के आधार पर 10 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों के खाते में पोशाक राशि दी जाएगी। पटना की गंगा नदी में जाने पर लगी रोक। लगातार बारिश की वजह से पटना की गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से रेड जोन में पहुंच गया है, जिसके वजह से प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए लोगों के गंगा घाट पर जाने से रोक लगा दी है। बता दें कि एसडीआरएफ की टीमें पहले से ही घाटों के आसपास मौजूद करा दी गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दिलाई पूर्व मंत्री रमई राम को राजद की सदस्यता। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व मंत्री रमई राम को राजद की सदस्यता दिलाई। बता दें कि रमई राम को लोकसभा चुनाव 2019 में टिकट नहीं मिलने के कारण वे पार्टी से नाराज चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने घर वापसी कर ली है। राजद का सदस्यता अभियान सफल, तेजस्वी को सीएम बनाने की तैयारी। राजद के सदस्यता अभियान की सफलता को लेकर प्रखंड के डाक बंगला परिसर में रविवार को राजद कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें यह चर्चा की गई कि अगले विधानसभा चुनाव में लालू के गरीब जनता के प्रति आवाजों के लिए जागरूक करने को अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने लोगों से पार्टी से जुड़ने की अपील की। बिहार में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर राजद की ओर से अति पिछड़ों को कम से कम 50 टिकट देने का वादा किया है, जिसमें उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े, एसटीएससी और अल्पसंख्यक को राजद से जुड़ने की अपील की है, जिस पर जदयू ने कहा है कि राजद ने पहले की तरह जातिवाद की शुरुआत कर दी है। महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से T20 खेलने से किया मना।
महेंद्र सिंह धोनी ने एक और T20 सीरीज खेलने से मना कर दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ताओं को दी है। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर धोनी इस सीरीज में भी नहीं खेले तो वे फिर जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले साल होने वाले सीरीज में नजर आ सकते हैं। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि धोनी ने लगातार 3 सीरीज खेलने से मना कर दिया है और महेंद्र सिंह धोनी इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम की नीली जर्सी में नजर नहीं आए हैं। बिग बॉस के सेट पर जाएंगे लकी विनर्स। बिग बॉस के 13वीं सीजन का प्रसारण काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसमें 19 सितंबर को ग्रैंड प्रीमियर होने वाला है। अब इसके टास्क फैंस को टास्क पूरा करने पर विनर्स को एक शानदार तोहफा मिलने वाला है, जिसमें इसे चौथे टास्क पूरा करने के बाद बिग बॉस के सेट पर जाने का मौका मिलेगा। चौथे राउंड में शो के मेकर्स लकी विनर्स की घोषणा करेंगे। एसके मेमोरियल हॉल पटना में आयोजित जन जागरण सभा में राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। रविवार दोपहर 12 बजे राजनाथ सिंह विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। भाजपा नेताओं ने जोश खरोश से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पर गए। अभी के लिए इतना ही। नए नोटिफिकेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।